हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। फ्री फायर में नया OB31 अपडेट आ चुका है और जितने भी हमारे यार लो एंड डिवाइस प्लेयर थे उनके में फिर से एप इज नॉट रिस्पॉन्डिंग या फिर एप इजेंट रिस्पॉन्डिंग का प्रॉब्लम आने लगा है। और आप सभी को पता ही होगा यार, जब OB30 अपडेट आया हुआ था तो मैं इसके लिए 2-3 वीडियो बनाया हुआ था और बहुत ही ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुआ था। तो इस बार भी अगर आपकी में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, आपका प्रॉब्लम भी 100% सॉल्व हो जाएगा। और गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने फ्री फायर को OB31 में अपडेट कर चुके हो तो सबसे पहले आपको तो होम स्क्रीन पे आना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद अपने फ्री फायर को आपको लॉन्ग टैप करके रखना है और उसके बाद यहाँ पर एप इन्फो करके ऑप्शन मिलेगा, उसमें हम लोग को चले जाना है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को OB31 अपडेट आने के बाद फ्री फायर का जो वर्जन है वो शो करेगा। तो यहाँ पर वर्जन दिखाई दे रहा है 1.68.1, ठीक है। तो इसी वर्जन को हम लोग को फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से नहीं बल्कि हम लोग का एपीके प्योर है वहां से हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। यही तरीका मैं पहले भी बताया हुआ था आप सभी को, तो उसमें OB30 वाले का जितना भी प्रॉब्लम था वो सभी सॉल्व हुआ था, तो इसमें भी यही करने वाले हैं हम लोग। इसको सबसे पहले फोर्स स्टॉप कर लीजिए आप फ्री फायर को, और उसके बाद यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल के एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ओके पे आपको क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल कर लेना है। पहले वाले जो प्ले स्टोर से आप अपडेट किए थे ना फ्री फायर, उसको कंप्लीटली आपको अनइंस्टॉल करने की जरूरत है। अनइंस्टॉल करने के बाद इस सभी टैब को आप क्लोज कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए दो फ्री फायर का वर्जन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक 64 बिट के लिए है और एक 32 बिट के लिए है। तो आपको सबसे पहले 32 बिट वाला ट्राई करना है, ठीक है, इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है तो उसके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च में आपको एपी के प्योर करके सर्च कर लेना है। एपी के प्योर लिखने के बाद आपको यहीं पर स्पेस देकर के फ्री फायर भी सर्च कर लेना है। अब इतना आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही एपी के प्योर फ्री फायर करके ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो फ्री फायर दिखाई देगा इसको हम लोग को डाउनलोड नहीं करना है। यहीं पर नीचे में देखिए गरीना इंटरनेशनल आई करके लिखा हुआ है, इसको हम लोग को एक बार क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो फ्री फायर अगर हम डाउनलोड करना चाहें फ्री फायर पे फिर से हम लोग को क्लिक कर लेना है। फ्री फायर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे आना है। जब हम लोग बहुत नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 1.68.1 करके लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 वेरियंट, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 2 वेरियंट है। और उसी के बगल में सेम वर्जन और भी है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एपी के है, यहाँ पर हम लोग को ओबीबी फाइल नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग को क्लिक करना है, ठीक है। वर्जन 1.68.1 लिखा हुआ है, XAPK और OBB दोनों यहाँ पर मिलेगा, तो इसमें हम लोग को क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद जो सेकंड वाला है ये रहता है 32 बिट के लिए, तो सेकंड वाले को हम लोग को सबसे पहले डाउनलोड करके देखना है। अगर ये हम लोग के में चल नहीं पाता है या फिर इसके बाद भी एप नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम आ रहा है तब हम लोग को ऊपर वाले को ट्राई करना है, लेकिन सबसे पहले आपको नीचे वाले को ट्राई करना है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड का एक आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग को क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ओके करने के लिए पूछा जाएगा, तो आपको ओके कर लेना है अगर स्टार्ट नहीं होता है तो, ठीक है। डाउनलोड हो जाने के बाद उस फ्री फायर को आप डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फिर से एपीके प्योर में आना है जहां पर से हम फ्री फायर डाउनलोड किए थे, और उसके बाद यहां पर सर्च में आपको एपीके प्योर करके सर्च कर लेना है। यहां पर जब आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, इसको हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। एपीके प्योर का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इसको हम लोग को ओपन करना है। राइट हैंड साइड ऊपर में यहाँ पर 3 लाइन दिखाई दे रहे, इसको हम लोग को टैप करना है। उसको टैप करने के बाद इसको हम लोग ऊपर का स्लाइड करेंगे, उसके बाद लास्ट में APK/XAPK करके लिखा हुआ है, लास्ट में सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में हम लोग को जाना है। उसके बाद हम लोग जितना भी XAPK या फिर APK डाउनलोड किए हैं वो सभी का लिस्ट यहाँ पर शो करने लगेगा, तो हम लोग जो फ्री फायर अभी अभी डाउनलोड किए हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा। उसमें यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन रहेगा, उसको हम लोग को क्लिक करना है ऐसे इंस्टॉल को, और उसके बाद आपके में एक अननोन सोर्स का परमिशन मांगेगा, तो उसको आपको अलाउ कर देना है और उसके बाद आपका फ्री फायर आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। आप 32 बिट करें या फिर 64 बिट, दोनों को इसी में से आपको इंस्टॉल करने की जरूरत है APK प्योर में से, ठीक है। और अगर APK प्योर से आपका फ्री फायर इंस्टॉल नहीं होता है तो आपको XAPK इंस्टॉलर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल पैकेज और रीड एंड राइट इन दोनों को परमिशन हम लोग को अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ करने के बाद यहाँ पर install.xapk फाइल्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग को क्लिक करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली search.xapk फाइल्स, इसको हम लोग को क्लिक करना है। अब ये हम लोग के मोबाइल में ढूंढ रहे हैं, हम लोग के जितना भी XAPK फाइल है वो सभी यहाँ पर शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग का दो फ्री फायर दिखाई दे रहा है, तो जो अभी अभी आप लेटेस्ट वर्जन का XAPK डाउनलोड किए हुए APK प्योर से उसी में यहाँ पर इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा, उसको हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक एड देखने के लिए बोला जाएगा, तो एड को आपको देखना है, उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इंस्टॉल कर लेना है इसको कम्प्लीटली। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप फ्री फायर को ओपन करके देखिए, आपका एप नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका रहेगा, क्योंकि यार प्ले स्टोर में एक ही तरीके का एप्लीकेशन रहता है, अगर वो आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है
तो मैं दो और वेरिएंट बताया हूँ, दोनों अलग अलग है, तो दोनों को आप ट्राई करेंगे तो तीनों में से कोई ना कोई आपके मोबाइल में 100% सपोर्ट करेगा और आप आराम से फ्री फायर को खेल पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा यार, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।